साल हमेशा लोगों के लिए खड़े हुए हैं, उस पर भी आएंगे वापस कि भाई कराची में क्या सूरत हाल रही है पिछले 20-30 साल से। बट एनीवे कमिंग बैक टू द इशू, अगर यही स्ट्राइक का तरीका ही है अपना एहतजाज आगे सामने लाने का, हमारा सवाल कुछ और है कि क्यों कर इस पर नौयत इस हद तक बात पहुंचे कि हर एक ही स्ट्राइक करने लग जाए। मतलब मैं तो ये सोच रही हूं कि अगले 6 महीने में इस मुल्क का हाल क्या बनेगा। अगर वेयर आर दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको नजर नहीं आ रहा कि मसले मसाइल के, अगर डॉक्टर्स खड़े हो गए हैं आज और दूसरी तरफ आपके टीचर्स खड़े हो गए हैं और गैस शेडिंग और लोड शेडिंग हो रही है, तो ये हमारी समझ से बाहर है कि हम इसको समझें कि ये जमहूरियत का एक हुस्न है। देखिए, ये जमहूरियत की वजह से तो जरूर है कि जाहिर है जमहूरी गवर्नमेंट्स में लोग एडवांटेज ज़्यादा लेते हैं, आ जाते हैं, लेकिन इस सारे जो केओस नजर आ रहा है हमारे अपनी स्ट्रीट्स पे, हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी टोटल गवर्नेंस में, इसमें मेरे ख्याल से दो जो सबसे बड़ी वजूहात हैं जिसकी तरफ हमें नजर, पहली वजह यह है कि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो इस वक्त है वो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से लोगों को नौकरी मिले। पंजाब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर अगर पंजाब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते वो बढ़ा देते तनख्वाह तो स्ट्राइक वगैरह की। कुछ कर रहे हैं, सुनने अब आप, जी 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 ठीक है, वो तो जाहिर है फिर वो ट्रेडर्स का। बॉटम लाइन ये है कि हमारी हुकूमत के पास, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये तमाम के तमाम मसाइल जो है इन पर एक तरफ तवज्जो दें। बेसिक वजह उसकी क्या है? नहीं, सुन ले मेरी बात, अब आप सुन लीजिए। आप सुनाइए, बेसिक वजह उसकी ये है कि हम टैक्स नहीं देते। हुकूमत के पास इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेशन है, और उसमें आप हुकूमत को बुरा भला कह लें या किसी को कह लें, जब हुकूमत टैक्स लगाने जाती है तो हम पीछे हट जाते हैं, कोई अपने अपने वो जो ग्रुप्स हैं हम उनको सपोर्ट में आ जाते हैं, कोई कहता है एग्रीकल्चर पे नहीं लगना, कोई कहता है ट्रेडर्स पे नहीं लगना, एग्रीकल्चर पे भी लगना है, ट्रेडर्स पे भी लगना है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, यू नो आप इंडिया में इस वक्त जरा सुकून जो नजर आता है, क्यों नजर आता है? उनका टैक्स टू जीडीपी रेशो 17% है, हम 9% पे खड़े हैं। अगर हम 17% टैक्स टू जीडीपी रेशो है, ये सुने जरा गौर से मेरी बात, तो हमारा बजट डेफिसिट जीरो होगा, और अगर जीरो होगा तो हुकूमत को जो स्टेट बैंक से डायरेक्टली बोरो करना चाह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो बोरोइंग खत्म होगी तो ये 25% इन्फ्लेशन कम होगा। देखिए देखिए बात मेरी बात नहीं आप देखिए, आप यू आर गोइंग इनटू नंबर्स जो कि रेलेवेंट है, लेकिन हमें ये नजर आता है कि जब एक इशू इमर्ज करता है, मसलन अब ये पीआईए का था कि हुकूमत ने जी टर्किश एयरलाइंस के साथ एक किया हुआ था मुआहदा, उसके बाद जब उन्होंने हुकूमत ने कहा नहीं कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, आपने देखा महीना भर क्या पूरी कौम को मसले मसाइल का सामना हुआ? ये आई डोंट थिंक इट्स अबाउट रिसोर्सेज। मैं आपको बताता हूँ, इट इज अबाउट रिसोर्सेज। मैं पीआईए की एग्जांपल देता हूँ आपको। पीआईए वाज अ बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन 3 ईयर्स बैक, इट्स अ बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन नाउ। इन देयर ओन विजडम, और मुझे नहीं पता कि वो क्या था, दे डिसाइडेड कुसी के टर्किश एयरलाइन के साथ जो कुछ है वो ठीक। अगर उनको हुकूमत के पास रिसोर्स होते और उनको एक्विटी दे देते तो कैप्टन एजाज को करने की जरूरत ही नहीं। नहीं तो कैप्टन एजाज को अपॉइंट क्यों किया? उनकी करप्शन की बातें, उनकी इनफिशियंसी की बातें, इनकॉम्पिटेंस नहीं, आई एम सॉरी, ये भी चीज है। आप रिप्लाई कर रहे थे और मैं उम्मीद करूंगा कि जितना आपने सबको टाइम दिया है मुझे उतना टाइम मिलेगा। सबका मिला के तो नहीं आपको मिल सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बताइए। इशू ये कैप्टन एजाज पे आज तक कोई करप्शन की बात साबित नहीं हुई। इनकॉम्पिटेंस नहीं, कोई इनकॉम्पिटेंस भी नहीं थी मेरे ख्याल से। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पीआईए की बेहतरी के लिए किया, लेकिन अब जो वहां पे लेबर यूनियंस थे, जो पीआईए की यूनियंस थे, उनमें कोई इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, या पेल्पा के पेल्पा देखिए जी पेल्पा के कुछ इश्यूज थे। देखिए इश्यूज होते हैं क्योंकि वो खुद एक पायलट थे, तो उस वजह से एक प्रोफेशनल जेलेसी भी होती है। उस चैप्टर को मैं हटके जिस तरह की बात मेरे, अच्छा कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन पे आ जाए, उस पे आ जाए कि जी अगर ये 4000 लोगों को निकालना था और फिर बाद में वापस ले लेना था, तो ये इंतजार था कि वो तोड़ फोड़ करें, खानदान को लेकर आ जाए बाहर इतने इतने दिन, क्यों खुशबख्श जात साहब? देखिए ये जो अभी बातें हो रही हैं, कहीं भी किसी जगह अगर एहतजाज होता है या कोई लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, परेशान होते हैं, नसीम वो कोई शॉप में तो आकर नहीं खड़े हो जाते। जाहिर है कि उनके ऊपर वो वबाल आता है, वो मुसीबत आती है, परेशानी आती है, जिसकी वजह से वो कहाँ जाकर आवाज बुलंद करेंगे। आवाज देखिए, उनकी आवाज अगर नहीं सुनी जाएगी, सवाल हम यही उठा रहे हैं की बात करें, तो कौन सुनेगा आवाज? आवाज किसने सुननी है? हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि बरसा बरस से इस मुल्क में ये होता आया है कि अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपने इख्तदार के लिए, अपने अपने ऐवानों के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन उन इदारों को संभालने के लिए, यानी शख्सी काम करना
और इज्तिमाही काम करना दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। नतीजा ये कि अब जो हालत आ गई है जहाँ देखिए आपके अभी मैं सुन रही थी तेली साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, मैं बहुत एहतराम करती हूँ उनका। लोग तो कह रहे हैं कि तेली साहब की स्ट्राइक आप लोगों ने करवाई। नहीं नहीं एक मिनट, उन्होंने कहा कि जी तौर तरीके लोगों को बेहतर करना चाहिए, जिसके पेट में रोटी नहीं होती, जिसका बच्चा भूखा होता है, जिसके घर में माँ बाप के पास दवा नहीं होती, आप उन्हें तौर तरीके और उसूल कहाँ से सिखाएंगे? जाहिर है वो इंसान चीखेगा, परेशान होगा, सड़क पर निकल आएगा, उस वक्त हम ये कहते हैं ये गलत कर रहा है, लेकिन उससे पहले नहीं सोचते कि हम इन मामलात को कहाँ लेकर जा रहे हैं और देखिए सवाल ये है, देखिए बुनियादी सवाल ये है कि क्यों इस नहज तक पहुंचे सूरत हाल के लोग बाहर निकल आए। और मुझे जो यहाँ गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी अजीब लग रही है, सबका ख्याल है कि जमहूरियत का। मुझे आप इसको रेस्पॉन्ड करने दें क्योंकि मुझे आपने कम से कम टाइम दे रही है। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ, अभी लेडी हेल्थ वर्कर का एक मिसाल ले लेते हैं। उन लोगों ने नेशनल हाईवे भी ब्लॉक किया सब चीज, उनका इशू क्या था? दे वर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, अब वो बोले हमें परमानेंट किया जाए। वो कह रही थी 16 साल से थी, एक दिन से तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट थी। अब हम जिस चैनल पे बैठे हैं इस पे भी जितने एम्प्लॉय होंगे जरूर कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, कैसे सारे जितने मतलब आप सब लोगों का किसी का भी लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट किसी नहीं, भी नहीं नहीं लाइफ टाइम तो नहीं होता, नहीं होता लेकिन लेकिन अगर इदारा ये समझता है कि किसी को किस वक्त चेंज किया जाए या गवर्नमेंट की रिसोर्स, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा हालात है माली मुश्किलात का, आप किधर नर्सेस की बात और दुनिया टीवी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मैं एक बात कर रहा हूं जो हमारे पास वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि आरजीएसटी के लिए सब मुखालफत करते हैं कि आरजीएसटी नहीं लगाई जाए, फ्लड टैक्स के लिए सब मुखालफत करते हैं, पेट्रोल प्राइसेस कहते हैं नहीं बढ़ाई जाए। अगर हम कोई टैक्स नया ना लगाएं और उसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज को परमानेंट भी कर दें, एम्प्लॉयज को परमानेंट करना कोई आसान बात नहीं है, उसके साथ आपको उनकी फिर पूरी चीजें फाइनेंस डिपार्टमेंट में को चेक करनी पड़ती हैं कि इनको फिर जब वो रिटायर होंगे तो उनको किस तरह बेनिफिट्स मिलेंगे और उनकी सैलरीज भी फिर एज पर जो गवर्नमेंट के दूसरे एम्प्लॉयज हैं उस तरह उनकी सैलरीज भी बढ़ेंगी। तो अगर गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकेगी तो इस तरह स्ट्राइक करने से या रोड ब्लॉक करने से तो मसला हल नहीं होगा। इशू सिर्फ ये है कि हमें पहले जिस तरह मेरे मौजूद दोस्त ने बात की है टैक्स की, जहां तक बात है टैक्स जो चोर हैं वो ही इस वक्त जो है देखिए नहीं नहीं एक बात सुनिएगा ना, हमें तो लगता है कि आप लोग भी उतनी बेबसी से बात करते हैं जिस तरह एक शहरी करता है। आप लोग तो इलेक्टेड हैं, आप तो मिनिस्टर हैं, खुद बख्श शुजात साहब अभी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। बात ये है कि आप कह रहे हैं जी टैक्सेस कोई लगा दे, कोई कह रहा है जी कोई भत्ता खत्म कर दे, कोई कह रहा है जी ये कर, तो करेगा तो आप ही लोगों को। भत्ते के इशू पे भत्ता आज का मसला नहीं है कराची का, भत्ता कराची का पिछले 25 साल से मसला है, आज का मसला नहीं है ये। और एक साल का मसला नाजिन इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं और भत्ते पे और कराची में जो मसले मसाले उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से हमारे सियासतदान जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो बिल्कुल वैसे बात कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, तो करेगा आखिर में कौन? अगर कोई करने वाला नहीं तो लोग तो इस तरह निकलेंगे सड़क पर और केओस होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर।